वीर्य के अंदर गुठलियां आ रही हैं आपके, वीर्य दानेदार आ रहा है, वीर्य में पीलापन आ रहा है, वीर्य एकदम आपका जेली टाइप आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर आपको ये समस्या है तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कैसे आप इसको सही कर सकते हो, कैसे घरेलू नुस्खों से, कैसे अपने दवाइयों से, कैसे। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम मुझे डाल के जाइए जिससे मैं आपके लिए और उस वैसी वीडियो लाऊं जो आपकी प्रॉब्लम है। और मैं आप सभी को बता देता हूं, मैं डॉक्टर मुकुल शर्मा हूं, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, पिछले काफ़ी सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरी फैमिली 35 सालों से सेक्सुअल प्रॉब्लम STD रोगों में दवाइयाँ दे रही है, मेरे पिताजी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी या इलाज के संबंधित जानकारी चाहिए तो मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने वीर्य को नॉर्मल वीर्य बना सकते हैं। देखिए नॉर्मल वीर्य होता कैसे, देखिए दोस्तों नॉर्मल वीर्य का कलर होता है ना वो स्फटिक यानी फिटकरी के समान होता है, आयुर्वेद में कहा गया है कपूर गंदी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में कि हम इसको सही कैसे कर सकते हैं और ये आया क्यों है, कारण क्या है इसके। देखिए इसका कारण नॉर्मली से है, अगर आप आपका खान पान डाइजेशन अच्छा नहीं है, देखिए बाहर का मार्केट का फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो या ज़्यादा नशा कर रहे हो, या आपका पेट सही नहीं रहता, पेट साफ नहीं रहता है, डाइजेशन इशू आ रहे हैं आपको बार बार, ठीक है, या ज़्यादा ओवर मास्टिबेशन कर दिया आपने तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम आ गई, अब आपको अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तीन तरीके हैं, पहला खान पान, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा मेडिसिन रूप में, तीनों मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। पहले हम खान पान के बारे में बात करते हैं। अगर आप इमली अचार छोड़ दें बिल्कुल अपने शरीर जिंदगी में, मार्केट का फास्ट फूड छोड़ दें और आप खाना पीना मेंटेन रखें, जैसे आप सही टाइम पे खाएं, सुबह टाइम, शाम को टाइम, दोपहर में आप फिक्स टाइम कर लें जिससे आपका डाइजेशन खराब ना हो और डाइजेशन इशू आप सही कर लें, नशा करना बिल्कुल छोड़ दें, रात को 9 से 10 घंटे की 8 से 9 घंटा कम से कम आप पूरी नींद लें, ये तो हो गया हमारे घरेलू तरीके। दूसरा एक्सरसाइज करके, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, रनिंग करिए, ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है वो भी आप देखिए, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। दूध दही छाए का निरंतर आप इस्तेमाल करिए, ठीक है, और मास्टरबेशन करते हैं, पोर्न मूवी देखते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब बहुत इसमें देखो दोस्तों पस सेल भी आ जाती है, इन्फेक्शन, और उसकी वजह से बच्चे पैदा होने में भी दिक्कत आती है, ठीक है, और बच्चा पैदा नहीं होगा तो वही आपको मानसिक शारीरिक फिर से आपको वही प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें मास्टरबेशन छोड़ना है और आपके शरीर को रिकवर करना है, ठीक है। और आगे चल के हम बात करेंगे इसका इलाज के बारे में। देखिए अगर आपने बहुत तरीके अजमा लिए हैं इसके लिए और बहुत सारी नुस्खे खा के थक चुके हो, सब कुछ कर लिया है और उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो इसको आप आयुर्वेद के अंदर आइए, आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज मिल जाएगा आपको बिना साइड इफेक्ट के, आपके पूरा शरीर रिकवर होगा बिना साइड इफेक्ट के, 3 से 4 महीने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता है इसका, ठीक है, आपको पूरा डेडिकेटेड चीज़ें समझाई जाएंगी। आप एक काम करिएगा, अपनी प्रॉब्लम और उम्र मुझे डिटेल में व्हाट्सअप कर दीजिएगा इसी नंबर पर, और या कॉल भी कर सकते हैं, अगर मैं आपको फ्री हुआ तो मैं डायरेक्ट बात कर लूँगा, वरना आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा जिससे मैं आपके लिए वापस वहाँ रिप्लाई करके नंबर नए मिल जाएंगे और आपको बात हो जाएगी मेरे से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे दोस्तों तक शेयर करिए जो ऐसी चीज़ों से लेके परेशान है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।